बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दलितों पीड़ितों वृक्षितों और संविधान के बहुत बड़े संरक्षक रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है। समस्त हिंदुस्तान में जिनकी चर्चा हमने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आपको बता दें कि आज उनकी 66वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर गया शहर में श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हम पार्टी की तरफ से आज वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। आप देखिए वीडियो। ये नजारा दरअसल गया शहर के गांधी मैदान की है, जहाँ हम पार्टी के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि मार्च निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। बता दें कि ये मार्च गया शहर के गांधी मैदान से निकला, जो काशीनाथ सिविल कोर्ट समाहरणालय होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण की गई। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने की। इस दौरान समर्पित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो आप जरा सुनिए इसे लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने क्या कहा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दलितों पीड़ितों वृक्षितों और संविधान के बहुत बड़े संरक्षक रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है। समस्त हिंदुस्तान में जिनकी चर्चा हमने किया, सब लोग ने और सरकारों ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ये 66वां पुण्यतिथि के अवसर पर समारोह पूर्वक इसको मनाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत पहले बाबा साहब अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि इस कदर नहीं मनाई जाती थी जिस कदर आज मनाई जा रही है। लेकिन दुख इस बात की है हमें और सभी दलित अभिवंचित वर्ग के लोगों को भी, सोचने का समय है जो आज आप लोगों के माध्यम से और आपसे प्रार्थना करके कि जो हम लोग बोलते हैं उसको पब्लिक डोमेन में जाने दिया जाएगा, उसको नहीं काटिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो चाहते थे दलितों का, जो अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, या जो भी जिसका सहारा कोई नहीं हो उनका, या फिर संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर हम आज बात करना चाहते हैं। और ये जानते हुए कि शायद आप लोग सोचेंगे कि हम सत्ता पक्ष के हैं और बहुत सी बातों को मिनिमाइज करके बोला जाता है सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन हम मिनिमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि आज 75 साल आज़ादी के हो गए, अमृत वर्ष भी मना चुके हम लोग, लेकिन बाबा साहब ने जिन मूल्यों की बात की थी जिससे हम दलित अभिवंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ सकते थे, जिससे संविधान की रक्षा हो सकती थी, जिससे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकता था, आज हम लोग उससे अछूता हैं, आज हम लोग को उससे वंचित किया जा रहा है। अब उदाहरण के लिए जोड़िए, 1932 में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने हमें जो पूना पैक्स हुआ था उसके मसौदा पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। उसका मसौदा में ये बात थी कि हम लोगों को डबल मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मतदाता बनना चाहिए, या डबल मतदाता सूची के आधार पर हम लोगों का वोट होना चाहिए, जैसे MLC का होता है, नगर निकाय है, या फिर आपका पंचायत है, तो सुना आपने। आज 66वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज भीमराव अंबेडकर को लोगों ने याद किया। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने आज उन्हें जहां एक तरफ श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं उनके कहे गए बातों को याद करते हुए चार ऐसे शब्दों को गिनाया जिस दौरान भीमराव अंबेडकर ने ये बातें कही थी। आज उनके सारे बातों को याद करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अब कुछ बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए
ये तक कहा कि आज जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ किए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने कुछ और ही सपना देखा था, लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें बदलती नजर आ रही है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने दुख प्रकट की है। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए विदा चाहता हूं। नमस्कार।